हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुपम क्रिएशंस। आज मैं आपके लिए दो कलर की एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लेकर के आई हूँ। ये डिज़ाइन बहुत पुरानी है लेकिन देखने में बहुत ही खूबसूरत है और बनाने में उतनी ही सरल है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए जो हम फंदे डालते हैं वो 2 के मल्टीपल्स में डालते हैं। यहाँ पर 16 फंदे डालने के बाद मैंने 2 रोज का बॉर्डर बिना है जो कि दोनों ओर से सीधे सीधे फंदों से बनाया गया है। ये 4 रोज की डिज़ाइन है पर एक कलर के ऊन की 2 रोज ही बनाई जाती हैं। एक बार एक कलर के ऊन की 2 रोज बनाई जाती हैं, दूसरी बार दूसरे कलर के ऊन से 2 रोज बनाई जाती हैं। अब हम डिज़ाइन बनाना शुरू कर रहे हैं। डिज़ाइन की फर्स्ट रो जो कि राइट साइड से है, पहला फंदा वैसे तो हम स्लिप कर लेते हैं लेकिन हमें दूसरा कलर चेंज करना है इसलिए इसको हम सीधा बुन लेंगे और इसके बाद के सारे फंदे हम सीधे सीधे बुन लेंगे। फर्स्ट रो जो है डिजाइन की राइट साइड से है और वो सीधे सीधे फंदों से बुनी जाएगी। पूरी रो जो है सीधे फंदों से बनाई जाएगी। इस तरह से पूरी रो हम सीधे फंदों से बनाएंगे। हम डिजाइन की सेकंड रो पर हैं जो कि बैक साइड से है। पहला फंदा हम ये स्लिप कर लेंगे और इसके बाद ये जो 2 फंदे हैं, 2 फंदों में हमारी डिजाइन बनती है। ये डिजाइन की मेन रो है तो 2 फंदों से हम डिज़ाइन बनाएंगे। 2 फंदों का एक उल्टा बना लेंगे, उन पीछे करेंगे और 2 फंदों से सीधा बना लेंगे। इस तरह से 2 फंदों से 2 फंदे हम बना लेंगे। फिर ऐसे करेंगे, उन आगे करेंगे, 2 फंदे हम 2 फंदों से एक उल्टा फंदा बना लेंगे, उन पीछे करेंगे 2 फंदों से सीधा फंदा बना लेंगे। ये इस तरह से पूरी रो हमें इसी तरह से बनानी है, 2 फंदों से 2 फंदे बनाने हैं। लास्ट में हमारे पास एक फंदा है उसको हम उल्टा बिन लेंगे। ये पूरी रो हमें इस तरह से बनानी है, 2 फंदों से 2 फंदे बनाने हैं। पहले मैंने एक फंदा स्लिप किया था, लास्ट में एक फंदा उल्टा बिन लेंगे। 2 रोज मैंने बना ली है, एक बार डिजाइन कंप्लीट हो गई है लेकिन चूंकि हमें जगह चेंज करनी है तो जब हम जगह चेंज करेंगे तो ये 4 रो की डिज़ाइन हो जाएगी। अब हम आपको दिखाते हैं कि हम किस तरह से जगह चेंज करके इसी डिज़ाइन को फिर से बनाते हैं। अब हम डिज़ाइन की 3rd रो पर हैं, उनका कलर हम चेंज कर लेंगे और पूरी रो हम सीधे सीधे फंदों से बना लेंगे। ये हमारी डिज़ाइन की 3rd रो है जो कि राइट साइड से है। दूसरे कलर से हम सारे फंदों को सीधा सीधा बुन लेंगे। इस तरह से पूरी रो हमारी सीधे फंदों से बनाई जाएगी। जो हमारी डिज़ाइन बनती है वो बैक साइड से बनती है और राइट साइड की पूरी रो जो है हम सीधे सीधे फंदों से बनाते हैं। अब हम डिज़ाइन की 4th रो पर हैं जो कि 2nd रो की तरह ही बनी जाएगी। ये बैक साइड है, पहले हमने एक फंदा स्लिप किया था, इस बार हम पहला फंदा स्लिप करेंगे और उसके बाद का फंदा उल्टा बिन लेंगे। 2 फंदे के बाद हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये 2 फंदे जैसे हमने पहले बनाए थे उसी तरह से डिज़ाइन बनानी है। ऊन हमारा आगे है, 2 फंदों का एक फंदा हम पहले बनाएंगे उल्टा, उन पीछे करेंगे और फिर इन्हीं 2 फंदों से एक सीधा फंदा बना लेंगे। इस तरह से हमारे 2 फंदों से 2 फंदे बन जाएंगे। फिर हम उन आगे करेंगे, 2 फंदों से एक उल्टा फंदा बनाएंगे। दोनों फंदों को स्लिप नहीं करेंगे, उन पीछे करके इन्हीं 2 फंदों से एक सीधा फंदा बना लेंगे। फिर ऐसे करेंगे, उन आगे करके 2 फंदों से एक उल्टा फंदा और उन पीछे करके 2 फंदों से सीधा फंदा। पूरी रो हमें इसी तरह से बनानी है। लास्ट में 2 फंदे बचेंगे जिनको कि हम उल्टा उल्टा बिन लेंगे। शुरू में मैंने 2 फंदे उल्टे बिने हैं और लास्ट में 2 उल्टे बिने जाएंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। इसे आप 2 कलर में भी बना सकती हैं और मल्टी कलर में भी इस डिज़ाइन से स्वेटर बना सकती हैं। मैं जब छोटी थी तो मेरी माँ ने मेरे लिए इस डिज़ाइन का स्वेटर बनाया था जो कि वाइट, ग्रीन और रेड कलर से बनाया गया था। ये डिज़ाइन दिखने में जितनी सुंदर है बनाने में उतनी ही आसान है और बहुत जल्दी जल्दी बनती है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे कि आपको मेरे वीडियो सबसे पहले मिल सकें। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये डिज़ाइन अच्छी लगी हो, इस डिज़ाइन को बनाने का ढंग, समझाने का ढंग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स।